वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। प्यारी साध संगत जी, एक बार एक महात्मा अपने एक सेवक नाल किते जा रहे सन। वह चलते चलते थक गए तां एक जगह आराम करन लई रुक गए। थोड़ी ही देर च उन्हां नूं नींद आ गई। सौण तो बाद जदों उन्हां दी अख खुली तां शाम हो गई सी। उन्हां नूं प्यास भी लगी हुई सी। उन्हां आले दुआले निगाह पाई तां वेख्या कि हर पासे उजाड़ खेत पए सन। उन्हां थोड़ा होर ध्यान दिता तां खेतां दे नाल ही एक मकान नजरी पिया। पानी मिलन की उम्मीद विच उह उस मकान कोल चले गए। उन्हां वेख्या मकान बहुत पुराना ते टुटिया फुटिया पिया सी। सेवक ने दरवाजा खड़काया तां अंदरों एक आदमी बाहर आया। उस दे नाल ही उसकी घरवाली अते बच्चे भी बाहर आए। उन्हां सब ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए सन। कि सानूं पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है, महात्मा ने पूछा। क्यों नहीं महाराज, आदमी ने बहुत निम्रता नाल कहा। उस आदमी ने बड़ी श्रद्धा नाल महात्मा ते सेवक नूं पानी पियाया। पानी पीण तों बाद महात्मा ते सेवक जान लई खड़े होए तां उस आदमी ने बड़ी बेनती नाल कहा, महाराज जी शाम हो चली है, थोड़ी ही देर च रात हो जाएगी। अगला पिंड भी बहुत दूर है, सो कृपा करके अज रात इत्थे ही विश्राम करो। महात्मा जी ने उसकी बेनती स्वीकार कर ली ते उत्थे ही रुकण दा फैसला कर लिया। गलबात दौरान महात्मा ने उस आदमी नूं पुछया, मैं वेख रहा हां कि तुहाडा खेत तां बहुत वड्डा है ते उपजाऊ है, पर इस विच कोई फसल नहीं बीजी गई ते ना ही दरख्तां ते कोई फल ही दिखाई दे रहा है, फिर तुहाडा गुजारा किवें चलदा है? जी साडे कोल एक गां है जो काफी दुध देंदी है, थोड़ा दुध रख के बाकी असीं नाल दे पिंड विच वेच दिंदे हां ते इसे नाल साडा गुजारा चलदा है। थोड़ी देर होर गलबात करके सारे सो गए। अद्धी रात नूं जदों सारे गूढ़ी नींद विच सुत्ते सन तां महात्मा ने अपने सेवक नूं उठाया अते कहा, चल असीं हुणे ही जाणा है अते अपने नाल इस आदमी दी गां वी लै चल। सेवक नूं यकीन नहीं हो रहा कि उसदा गुरु उसनूं चोरी करन दा हुक्म दे रहा सी, पर उह गुरु दा हुक्म वी टाल नहीं सी सकदा। थोड़ी ही देर विच वह दोवें गां नूं नाल लै के गायब हो गए। यह घटना सेवक दे मन विच घर घर गई। सेवक हुण उस आदमी बारे ही सोचता रहिंदा कि उस कोल एक ही साधन सी जिस ते उसका परिवार पलदा सी अते ओह वी असीं चोरी करके लै आए हां, पर उस विच अपने गुरु तों कदी इस बारे पुछण दी हिम्मत ना होई। इस घटना नूं 10-12 साल हो गए अते हौली हौली सेवक भी इह घटना भुल गया। एक दिन महात्मा ने अपने उसे सेवक नूं अपने कोल बुलाया अते किसे पिंड विच सत्संग करन लई भेजिया। सेवक अपने कुछ साथियों नूं नाल लै के उस पिंड वाल चल पिया। रस्ते विच सेवक उसे खेत ते पहुंच गया जिथों उन्हें कई साल पहला गां चोरी कीती सी, पर हुण उत्थे खेत फलां नाल भरे हुए सन ते उस टुटे हुए मकान दी थां ते महल नुमा मकान बनिया होया सी। सेवक कुछ देर मौन अवस्था च उत्थे ही खड़ा रहा। उसने मन ही मन सोचिया कि शायद किसी होर ने उस आदमी दा मकान ते खेत खरीद ले होण। अजे वह यह सब सोच ही रहा सी कि उस मकान तो एक कार बाहर आई। कार उन्हां कोल आ के रुक गई। कार तो एक आदमी बाहर आया अते कहा, महात्मा जी कृपा करो मेरे घर चलो अते लंगर पानी खा के अपनी यात्रा ते चले जाना। जदों सेवक ने ध्यान नाल उस आदमी वल वेख्या तां उसदे चेहरे ते हैरानी दे बदल छा गए, क्योंकि ये तां उही आदमी सी जिसकी गां उन्हें चोरी कीती सी।
उस आदमी ने भी सेवक नूं पछाण लिया। सेवक मन ही मन डर रहा सी कि हुण इह आदमी जरूर ही उस नूं सजा देवेगा। सेवक ने डरदे होए पुछिया, तुसी तां उही हो। अजे सेवक ने अपनी गल पूरी भी ना कीती कि उह आदमी विच्चों ही टोकदे होए बोलिया, हां हां महात्मा जी, मैं उही आदमी हाँ जो कई साल पहलां तुहानूं इत्थे मिलिया सी। तुसी अपने गुरु नाल मेरे घर आए सी, पर हुण पहलां तुसी मेरे घर चलो, लंगर पानी छको ते बाकी गल उत्थे ही करदे हां। सेवक ते उसदे साथी उस आदमी नाल उसदे घर चले गए। सेवक बहुत हैरान सी कि इह आदमी इन्ना अमीर किवें बन गया सी। अपनी गां चोरी करन वालियां नाल भी सजा देण दी बजाए शब्दां नाल पेश आ रहा सी। सेवक दी मनोस्थिति वेख के ओह आदमी बोलिया, महात्मा जी, तुहाडे अते तुहाडे गुरु जी दे आशीर्वाद नाल अज मैं इस अवस्था तक पहुंचिया हां। रब दा शुक्र है कि तुसी मैनू दुबारा मिल गए हो। मैं तां तुहाडी बहुत भाल कीती पर तुहाडा कोई अता पता ना लग सकिया। मैं तुहानू मिल के तुहाडा धन्नवाद करना चाहुंदा सी। जिवें जिवें ओह आदमी गल्लां कर रहा सी उवें उवें सेवक दी हैरानी होर वध रही सी। अते उसे हैरानी नाल सेवक ने पुछिया, जी साडा धन्नवाद, असीं तां तुहाडी गां। सेवक दी गल फिर कटदे होए ओह आदमी बड़ी उत्सुकता नाल बोलिया, महात्मा जी, उस रात जदों तुसी चल गए सो ते साडी गां वी ना मिली, असीं समझ गए सां कि महात्मा जी साडी गां लै के चले गए हन। इन्ना तां साडा दिल कह रहा सी कि महात्मा जी चोरी नहीं कर सकदे ते गां नूं नाल लै के जाण दा उन्हां दा कोई ना कोई मकसद जरूर होवेगा, पर सानूं पता नहीं सी कि ओह मकसद की सी। पर काफी देर बाद सानूं समझ आया कि महात्मा जी ने साडे ते किन्ना वड्डा उपकार कीता सी। सेवक ने अपनी बड़ी उत्सुकता नाल पुछया, उपकार ओ किवें? उस आदमी ने जवाब दिंदे होए कहा, शुरू शुरू विच कई दिन तां सानूं समझ ही ना आया कि की करिए, पर जिंदगी जीउण लई कुछ तां करना ही सी, सो लकड़ियां कट के वेचना शुरू कर दिता। लकड़ियां वेच के जो मिलदा सी उस नाल खेतां च बीज बीज दित्ते। किस्मत नाल फसल चंगी निकल आई ते असी फलां दे बगीचे ला ले ते हौली हौली साडा कम जम गया ते हुण नाल नाल दे हजारां पिंडां विच मैं सब तों वड्डा फलां दा वपारी बन गया हां। सचमुच अजिहा ना हुंदा जे महात्मा जी मेरी गां अपने नाल ना लै के जांदे, पर इह कम तां तुसीं पहलां वी कर सकदे सी। सेवक ने खुशी ते जिज्ञासा नाल पुछिया। आदमी ने कहा, हां बिल्कुल कर सकता सी, पर उस समय जिंदगी बिना मेहनत तों आराम नाल चल रही सी। कदी लग्या ही नहीं सी कि मेरे अंदर इन्ना कुछ करन दी काबिलियत सी, सो कदी कोशिश ही नहीं कीती। पर जदों गां कोल ना रही तां यतन करना पिया ते मेरे जिहा फटे हाल भी इस मुकाम ते पुज गया। हुण सेवक अपने गुरु दे हुकम दा असली अर्थ समझ चुका सी अते उस दे दिल विच अपने गुरु लई आदर ते सत्कार होर भी वध गया सी। प्यारे दोस्तों, प्यारी साध संगत जी, कई बार असीं हालातां दे इन्ने आदी हो जांदे हां कि उन्हां नाल समझौता कर लैंदे हां, भावें ओह हालात किन्ने भी खराब क्यों ना हो। असीं अपने मौजूदा काम जां नौकरी नूं नफरत करदे हां ते इस नूं सिर्फ इस करके नहीं बदलदे कि इस नाल साडी दाल रोटी दा खर्चा निकल रिहा है, पर अजिहा करन दे चक्कर विच असीं अपनी पूरी काबिलियत नूं नहीं वरत पाउंदे, जिस कारण असीं ओह हासिल नहीं कर पाउंदे जिस दे असीं हकदार हुंदे हां। सोचो, साडे कोल कोई अजिही गां तां नहीं जो सानूं इक बेहतर जिंदगी जीउण तों रोक रही होवे। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਗਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਉਸ ਗਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।